हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डिबेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास टेंथ वाले के लिए साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यदि चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम कोई नए वीडियो लगाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन बी 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग है? क्या है, इंद्रधनुष में कितने रंग है? 7, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत मन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? लाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ऑप्शन बी, F=R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? ऑप्शन डी, हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पमत दूरी है। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पमत दूरी कितना होती है? ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ऑप्शन सी, लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर, यानी चालक की लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ पर भी और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁶ जूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है, किस तरफ संकेत करती है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की तरफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा होता है? यूरेनियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन डी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहते हैं? अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी, यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
ऑप्शन ए NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.5 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? अधातु सबसे चमकीला कौन सा होता है? आयोडीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? सोडियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है, क्या होगा? ऑप्शन सी, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किसने आबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? त्रिआबंध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई हम नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।